अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ेदार रेसिपीज सीख सकें। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आपके और आपके बच्चों के लिए मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये, बहुत जल्द बन जाने वाली है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हाईटी वगैरह में भी रख सकते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड पकौड़ा। तो व्यूवर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आइए नोट डाउन कर लें हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 3 टेबल स्पून चीज़ लेना है, मैंने यहाँ चेडर चीज़ लिया है, भरकर ग्रेट कर लिया था इसको ग्रेटर से। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लिया है, हरा धनिया लिया है फ्रेश, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ चॉप प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ इस तरह से ऑलिव्स लिए हैं, क्रश चिली मैंने लिया है 1 टीस्पून। साथ ही में इन तमाम चीज़ों को हमने एक साथ करके चीज़ में डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। हम इसे अच्छी तरह एक मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, अब आते हैं पकौड़ा के बैटर की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, साथ ही में मैंने यहाँ हसबे ज़रूरत सॉल्ट यानी 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून सोडा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून क्रश चिली है। अब व्यूअर्स, इसे हम पानी की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे। 1 कप मैंने वाटर लिया है, लेट्स सी के कितना जाता है, हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमें स्मूथ एक बैटर तैयार करना है। 1 कप बेसन लिया था मैंने यहाँ, 1/2 ही में मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल हसबे ज़रूरत लिया है, कढ़ाई में हसबे ज़रूरत आप ऑयल ले सकते हैं। व्यूअर्स, ने मैंने यहाँ तमाम 1 कप वाटर इसमें 1 कप बेसन में ऐड कर लिया है और इस तरह से मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। बैटर को इस तरह हमें पानी के साथ डिसॉल्व करके हैंड मिक्स से बीट करना है। अच्छा सा बैटर, ये आप देख सकते हैं किस तरह का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, अब हम आते हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें घर में रखी हुई होती हैं और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली होती है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस लिया है, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून केचप लिया है। मिक्स इट वेल टुगेदर, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। नाउ आई एम एडिंग हेयर ऑरिगैनो, 1/4 टीस्पून जस्ट मिक्स इट वेल, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आई नीड सम वाटर। व्यूअर्स, अब मैं इसे हमें अब यहाँ अप्लाई करना है ब्रेड के ऊपर इस तरह से। ब्रेड के दोनों स्लाइसेस पे इस तरह थिक सा सॉस लगाना है, बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर आपके घर में ये तमाम चीज़ें हैं, मेहमान आ रहे हैं या कुछ है, आप इसे चाय के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब मैं यहाँ इस तरह से इसको अच्छी तरह रिच फिलिंग करूँगी। इस तरह से मैंने इसकी रिच फिलिंग करनी है। ये आपके 4 ब्रेड्स में इनफ है, देखिए मैंने इस तरह इसकी फिलिंग करनी है। व्यूअर्स, अब मैं यहाँ इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी, साइडों में हल्का हल्का वाटर लगाऊँगी इस तरह से। अच्छी तरह बाइंड करना है। व्यूअर्स, हमने यहाँ एक आपको दिखा दिया, अब हम दूसरे पर भी इसी तरह करके थिक सा केचप और चिली गार्लिक का जो हमने सॉस बनाया है ऑरिगैनो के साथ, तो वो अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ये तमाम मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। तब देखें, ये हमने इस तरह इस पर सेकेंड वन पे भी हमने इस तरह लगा दिया है केचप। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी
यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको दबा देना है। व्यूअर्स, अब मैं इसे इस तरह सेंटर से कट कर लूँगी। अब व्यूअर्स, यहाँ मैंने बैटर में इसको अच्छी तरह से कोट करना है, इस तरह से, अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने इस तरह कोट करना है, चारों तरफ से इसको अच्छी तरह कोट कर लें। व्यूअर्स, अब मैं इसको ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी। बहुत ही धीमी आंच मैंने रखी है। जब ये एक साइड हो जाएगा तो मैं इसको दूसरी साइड पलट कर फ्राई करूँगी, बहुत हल्की आंच पे, वरना बैटर कच्चा रह जाएगा, अंदर चीज़ भी सही तरह मेल्ट नहीं होगी और ब्रेड के अंदर ऑयल जज्ब हो जाएगा, इसलिए हल्की आंच पे आपने करना है। व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक साइड हो गया था, मैंने अब इसको पलट लिया है, दूसरी साइड में हल्की आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ इसको। बहुत तेज़ आंच पे, धीमी आंच पे करना है आपको, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। व्यूअर्स, अब जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे और मज़ीद बाकी के भी हम इसी तरह बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ ये फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल रही हूँ, इस तरह मैं बाकी के भी तमाम फ्राई करके निकाल लूँगी। व्यूअर्स, यहाँ मैंने इसको फ्राई करके निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे सेंटर से कट करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसको प्लेट में अपने सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ हमारे ज़बरदस्त से ब्रेड पिज़्ज़ा पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो रही है, बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई किया है मैंने यहाँ। व्यूअर्स, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।